हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरव्यू। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज हमारी SST की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, और उसका सब हेडिंग क्या थी, अंग्रेजों की भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन व्यवस्था कैसे थी, गाँव में कौन कौन सी व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने चलाई, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जो कि क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें पहला पॉइंट है, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। तो 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें क्या हुआ था, मुगल बादशाह ने बंगाल का दीवान एक कंपनी को, मतलब बंगाल के दीवान एक स्पेशल कोई व्यक्ति नहीं, अब कंपनी को ही बंगाल का दीवान बना दिया गया इलाहाबाद की संधि के बाद 12 अगस्त 1765 में। 1770 में पड़े अकाल, अकाल के बारे में दिया गया है कि 1770, इसमें प्रश्न बहुत बार आया, 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। इसमें क्या हुआ था कि भारत देश की लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी, 1770 में अकाल पड़ा था, बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। आगे अगला एक पॉइंट है उसमें, जिस समय स्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो स्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1793 में स्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल अर्थात स्थाई बंदोबस्त को लागू किसने करवाया था, कार्नवालिस ने 1793 में लागू करवाया था। नोट कर लीजिएगा, स्थाई बंदोबस्त के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कार्नवालिस था। कंपनी ने 1793 में स्थाई बंदोबस्त लागू किया, वही जो मैं ऊपर बताया कि 1793 में स्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों की जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। इसमें क्या हुआ था कि जो राजा और तालुकदार थे, मतलब जो छोटे मोटे राजा और जो तालुकदार थे, उनको जमींदार कहा गया। जमींदार कहने का अर्थ क्या था कि किसानों से कर्ज वसूलने का काम उन्हीं को है, किसानों से कर्ज कौन वसूल करेंगे, वो वसूल करेंगे, और उसके बाद कंपनी को राजस्व चुकाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंपनी को राजस्व चुकाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता मिली और इन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी का राजस्व चुकाने का काम दिया गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, और इसको स्थायी रूप से तय कर दिया गया, मतलब चाहे अकाल पड़े, चाहे सूखा, चाहे बाढ़ आए, उससे हमसे नहीं मतलब है, आपको जितना कर्ज चुकाना है आपको उतना कर्ज इकट्ठा ही करना है, कहीं से भी उतना कर आपको इकट्ठा करना है और हमको ला के देना है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन हाँ, इसका एक और फायदा भी था, इसका एक प्रॉफिट ये था कि भविष्य में इस बंदोबस्त के अनुसार कहा गया था कि इस दर को हम कभी बढ़ाएंगे नहीं, केवल इतना ही कर आप हमको देना पड़ेगा। आगे, अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, और अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को लाई क्योंकि उनको लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से कर मिलता रहेगा, एक फिक्स्ड हम वैल्यू अगर निर्धारित कर देंगे तो। उसके आगे क्या दिया गया है, आगे है, कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। तो वही बात, कंपनी ने जब अभी आपको ही कह दिया जाए कि आप एक फिक्स्ड वैल्यू बता दीजिए, आपको उतना पैसे हम दे देंगे, तो आप फिक्स्ड वैल्यू बताने में ज़्यादा ही बताएंगे। इस प्रकार जब उन्होंने ये नियम ला दिया कि कर को हम आगे कभी बढ़ाएंगे नहीं, तो अगर ऐसा उन्होंने बोला था तो इसका बोलने का तरीका इसलिए था क्योंकि उन्होंने कर को बहुत ज़्यादा तय कर दिया था, कर पहले से ही ज़्यादा तय कर दिया है, तो प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा ही, और आश्वासन के लिए बाद में झूठा आश्वासन देने के लिए बोल दिए हैं कि इसको बढ़ाएंगे नहीं। तो कंपनी ने जो राजस्व दर तय की थी वह बहुत ज़्यादा थी कि जमींदारों को इसे चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, और जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाता था उसकी क्या होती थी, जमींदारी छीन ली जाती थी। आगे आगे उसके बाद एक नई व्यवस्था आई, उसके बाद क्या हुआ, एक नई व्यवस्था आई बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में। इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, मतलब लगभग ये जो नई व्यवस्था है उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ के आसपास क्षेत्रों में आई। इसके लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार किसने किया, हॉल्ट मैकेंजी ने नई व्यवस्था, और लागू कब किया गया, 1822 में। इसे लागू कब किया गया, 1822 में। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गाँव एक महत्वपूर्ण संस्था है, और मैकेंजी का क्या मानना था
जो उत्तर भारतीय समाज है, बिल्कुल ये बात तो उनका सही था, हॉल्ट मैकेंजी का मानना जो था वो सही था, जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो क्षेत्र है इसमें गांव ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था क्या है, गांव ही है, और इसको बचाए रखना चाहिए, और इसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेशों पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, और मैकेंजी के ही आदेशों पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, जमीन की जाँच की, खेतों को मापा, जमीन की जाँच की और खेतों को मापा, और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज दर्ज किए। तो जमीन की जाँच की, खेतों को मापा कितना कितना है, और जो रीति रिवाज थे उनको दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इसमें क्या हुआ कि गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़ के कई गांव का समूह बना दिया जाता था, जिसे कहा कहा क्या कहा गया, महाल कहा गया। महाल का अर्थ पूछा जाता है, महाल का अर्थ क्या होता है, गाँव का समूह। महाल का अर्थ क्या हुआ, गाँव का समूह। तो मतलब कि गाँव, दो तीन गाँव, चार गाँव, 10 गाँव ऐसे इकट्ठा कर लिए जाते थे, और सभी जो सभी खेत होते थे उन एक एक खेतों का अलग अलग राजस्व कर राजस्व इकट्ठा देख लिया जाता था, अनुमान लगा लिया जाता था, उसके बाद टोटल जोड़ के बता दिया जाता था। और महालवाड़ी में यही व्यवस्था थी कि गांव के समूहों को कर इकट्ठा किया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। इसमें यह भी कहा गया था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ था, कर ज़्यादा हो गया था, और ये कहा गया था कि कर कभी बदलेगा नहीं इसकी दर, इसलिए उसमें थोड़ा सा उसमें सुधार करने के लिए इसमें यह कहा गया कि संशोधनों की गुंजाइश रखी जाएगी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को देने का काम जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। तो गांव के मुखिया, क्योंकि महाल, महालवाड़ी में महाल का अर्थ क्या है, गाँव का ग्रुप, कई दो तीन गाँव के ग्रुप को महालवाड़ी, महाल कहा जाता है। तो इसमें गांव में आपको राजस्व इकट्ठा करना है तो कौन इकट्ठा करेगा, गांव का मुखिया ही सबसे अच्छे ढंग से, सभी से प्रभावी ढंग से कर पाएगा। इसलिए इसमें राजस्व वसूलने का काम किसको दिया गया, गांव के मुखिया को दे दिया गया, और इस व्यवस्था को महाल महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया, या फिर महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। और ये कब आई, 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया थी इसको। आगे देखते हैं, आगे अगली व्यवस्था है हमारी मुनरो व्यवस्था। अगली व्यवस्था क्या है, मुनरो व्यवस्था। देखते हैं, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, और दक्षिण भारतीय जो इलाके थे उसमें भी एक व्यवस्था नई लाने का प्रयास किया जा रहा था। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, और वहाँ जो नई व्यवस्था स्टार्ट हुई उसे क्या कहा गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा के कुछ सॉरी यहाँ कुछ गलत हो गया कि में लिए गए कंपनी द्वारा काबू में लिए गए, या इसको कह सकते हैं कंपनी द्वारा कब्जे में लिए, यहाँ क्या है, कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने जो टीपू सुल्तान से युद्ध चला था उसके बाद क्या था, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 4, उसमें क्या हुआ था कि उसके बाद जो वहाँ की जो जमीन हथियाई थी उसके कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को, रैयतवाड़ी व्यवस्था को चेक किया था, प्रैक्टिस किया था कि क्या सही हो सकता है कि नहीं, और आजमा लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। तो किन लोगों ने विकसित किया, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने, थॉमस मुनरो ने इन व्यवस्था को विकसित किया, और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो दोनों को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है। रीड और मुनरो दोनों को क्या लगता था कि जो दक्षिण भारत है उसमें परंपरागत रूप से जैसे जमींदारी होती है वैसे जमींदार यहाँ नहीं है, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। और उनका तर्क क्या था कि चूंकि उत्तर भारत की तरह यहाँ जमींदार नहीं होते हैं, इसलिए हमें कर डायरेक्ट किससे लेना चाहिए, किसानों से ही लेना चाहिए, और किसानों का ही समानार्थी अर्थ है रैयत। और इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहा गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, मतलब किसानों से ही डायरेक्ट कर लेंगे, और किसानों का अर्थ क्या है, समानार्थी शब्द है रैयत, और रैयतवाड़ी व्यवस्था इसलिए इसमें कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि हम डायरेक्ट कर किससे लेंगे, किसानों से ही लेंगे। आगे नील के बारे में बताया गया है, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। नील का पौधा कहाँ उगता है, जहाँ गर्मी और बरसात ज़्यादा होती है, उष्णकटिबंधीय इलाके जो हमारे इलाके हैं उसमें ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। 13वीं सदी तक क्या था, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और भी जो पश्चिमी जो पूर्वी जो देश था वो ब्रिटेन का कपड़ा उत्पादक करने के लिए, रंगाई के लिए भारतीय नील का ही इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी, और उस समय चूंकि ज़्यादा व्यापार करने का तरीका उस हिसाब से नहीं था, इसलिए भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाज़ार तक पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि भारत में बहुत कम ही जगह उगाई जाती थी, इसलिए उसको उगाने से क्या होता था, खेत बंजर हो जाते थे, इसलिए वहाँ इसकी कीमत बहुत ऊँची थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादक को
बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए एक वोट नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक थे वे वोट नामक पौधे से क्या करते थे, रंग बनाते थे, बैंगनी और नीले रंग वोट नामक पौधे पर निर्भर रहते थे। वोट एक शीतोष्ण पौधा था, मतलब शीत और उष्ण जो क्षेत्र होता है, थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा शीत थोड़ा सा उष्ण रहता है, उस क्षेत्र का पौधा है वोट। इसलिए ये यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्से में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोट उत्पादक ने अपने सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, और नील के साथ प्रतिस्पर्धा करने से नुकसान हो रहा था यूरोप के उत्पादकों को। इसलिए यूरोप के उत्पादकों ने सरकार पर दबाव डाला कि नील के आयात को पाबंदी बैन लगाया जाए। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, लेकिन कपड़े को जो रंगने वाले थे वो नील को पसंद करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि पहली बात, नील बहुत चमकदार नीला रंग देता था। और वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका लगता था। वोट से जो रंग मिलता था वो बेजान और फीका लगता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर ही लिया। और 17वीं सदी तक क्या हुआ, यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात में जो पाबंदी लग गई थी उसको फिर से मना लिया और फिर से नील का उत्पादन शुरू हो गया। अगला पॉइंट है कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निज था एक रैयती था। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, और निज व्यवस्था में क्या था कि जो बागान के मालिक होते थे खुद नील का उत्पादन अपनी ज़मीन में ही करते थे, या तो वो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेकर खेती करते थे नील की, और मज़दूरों को काम पर लगा के नील की खेती करवाते थे। अगला इसमें दिया गया है बीघा क्या है, बीघा के बारे में दिया गया है। बीघा जमीन की एक माप है। बीघा क्या है, जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। ब्रिटिश शासन से पहले क्या होता था, बीघा का आकार अलग अलग होता था। ब्रिटिश शासन में क्या हुआ, बीघे की आकार फिक्स कर दिया। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब एक तिहाई एकड़ तय कर दिया गया, और एक बीघा बराबर क्या अंग्रेजों ने कर दिया, लगभग वन थर्ड एकड़ ही इसको फिक्स कर दिया गया, वन बीघा बराबर वन थर्ड एकड़। आगे देखते हैं, आगे जो दूसरी व्यवस्था है, जो दूसरी व्यवस्था किसकी है, नील उत्पादन की। पहली क्या थी, नीज, दूसरी रैयती थी। रैयत व्यवस्था में क्या था, रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। रैयत व्यवस्था के तहत क्या होता था, जो बागान मालिक होते थे रैयत अर्थात किसानों के साथ एक अनुबंध अर्थात एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे, और कई बार क्या होता था कि वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों से दबाव डालते थे कि आप किसानों से समझौता करवाइए और आप आइए, आप हमसे समझौता कर लीजिए, और आप क्या होंगे, कई किसानों की तरफ से ही आपका बात मानी जाएगी। मतलब अगर हम आपसे समझौता कर रहे हैं, इसका मतलब कई किसानों के जमीन हमारे, हमसे समझौता हम आपकी कई किसानों के ज़मीनों से कर चुके हैं। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था, और जो अनुबंध पर दस्तखत करते थे उन्हें नील उगाने के लिए पैसे मिलते थे, और क्या होता था कि कम ब्याज पर पैसे मिलते थे। कर्जा लेने वाले रैयत को अपना कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, और जो कर्जा ले लेते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते थे, उन्हें कम से कम अपनी खेती पे 25% पर नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब एक चौथाई खेत पे नील उगाना पड़ता था। नील विद्रोह देखते हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। तो मार्च 1859 में क्या हुआ कि बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, और जैसे जैसे विद्रोह फैलता गया रैयतों की जो हौसला था और बढ़ा, और उन्होंने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे, और ये हमला भी करने लगे नील की फैक्ट्रियों पर। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी बागान मालिकों के लिए काम करने वाले को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, और जो बागान मालिक के लिए काम करते थे उन लोगों को समाज से निकाल दिया गया, समाज से उनका संबंध तोड़ लिया गया। आगे बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई, और जो गुमास्ता एजेंट आते थे, अभी गुमास्ता के बारे में आप जानेंगे, उनको पीटा भी जाता था। जो गुमास्ता एजेंट उस गाँव में आते थे बागान मालिकों की तरफ से, उन्हें पीटा भी जाता था। आगे रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वो नील के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों लाठीचारों गुंडों से डरेंगे। मतलब रैयतों ने पूर्णतः या निश्चय कर लिया था कि ना वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, मतलब ना वो नील की खेती करेंगे, ना ही किसी डर से अगर आएंगे गुंडे उनसे नील की खेती जबरदस्ती करवाने, तब भी वो डरेंगे नहीं, वो लड़ेंगे उनसे। आगे
1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी, और 1917 में महात्मा गांधी ने भी नील आंदोलन में सहयोग किया था और यह चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की अन्य क्लासेस भी देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही क्लास 8 NCERT हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी वैसे ही आपको नई PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।